हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव द एक्सपेरिमेंट नंबर 6, दैट इज़ टू राइट द प्रोग्राम टू इनिशिएट 8251 एंड टू चेक द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ कैरेक्टर. क्लियर? सो इन दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली द प्रोग्रामिंग फॉर द 8251 विल बी डन एंड दिस विल बी इंटरफेस. यू कैन सी दिस इज वॉट दिस इज 8251 इंटरफेस card. Basically it is interface with the this is your microprocessor, basically 8085. So it interfacing is done through 8251 interfacing kit basically, and this is, you can see, this is what interfacing. So the data can be transmitted through this the interfacing, we can say this is interfacing card. Clear? Now we will type the instruction through this keyboard on this 8085 microprocessor. Now this is the table through which we type the instructions. You can see we have the addresses that will having the machine codes exactly. So the machine code will be typed through this keyboard and that will be displayed on this 8085 display kit basically. And this is the MANIMIX basically belong to this address and machine code. Now we are going basically in this, what we will do, we will try to check the transmission and reception of the character with the 8251 kit basically. Now we are going to start the procedure, so you can see now start. इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 8251 स्टडी कार्ड को किट से इंटरफेस करेंगे. इंटरफेस मतलब FRC केबल के थ्रू हम इंटरफेस कर दिए. ये आपका इंटरफेस हो गया. अब आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे. प्रोग्राम एड्रेस आपका 2000 से स्टार्ट है, तो M प्रेस किया और 2000 यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस किया. तो 2000 पे मेरा डाटा क्या है, 3E टाइप करके इंटर प्रेस किया. अब 1 पे क्या है, 4E टाइप किया, इंटर प्रेस किया. फिर आपका 2 पे क्या है, D3 इंटर प्रेस किया. 4 पे क्या है, 3 पे क्या है, 2B इंटरप्रेस किया. 4 पे क्या है, 3E इंटरप्रेस किया. 5 पे क्या है, 05 इंटरप्रेस किया. 6 पे क्या है, D3 इंटरप्रेस किया. फिर 7 पे क्या है आपका, 2B इंटरप्रेस किया. 8 पे क्या है, DB इंटरप्रेस किया. 9 पे क्या है, 2B इंटरप्रेस किया. A पे क्या है, E6 इंटरप्रेस किया. B पे क्या है, 02 इंटरप्रेस किया. सी पे क्या है, CA इंटरप्रेस किया. डी पे क्या है, 08 इंटरप्रेस किया. और ई पे क्या है, 2020 इंटरप्रेस किया. फिर आपका एफ पे क्या है, DB इंटरप्रेस किया. फिर 10 पे आपका क्या है, 28 इंटरप्रेस किया. 11 पे क्या है, 57 इंटरप्रेस किया. 12 पे क्या है, 00 इंटरप्रेस किया. 13 पे क्या है, DB इंटरप्रेस किया. 14 पे क्या है, 2B
बी इंटर प्रेस किया, 15 पे क्या है E6 इंटर प्रेस किया और 16 पे क्या है 01 इंटर प्रेस किया, 17 पे CA इंटर प्रेस किया, 18 पे क्या है 18 इंटर प्रेस किया, 19 पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया, फिर A पे क्या है 7A इंटर प्रेस किया, फिर 1B पे क्या है D3 इंटर प्रेस किया, 1C पे क्या है 28 इंटर प्रेस किया और 1D पे क्या है C3 इंटर प्रेस किया, 1E पे क्या है 08 इंटर प्रेस किया, 1F पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। अब इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, किट नॉर्मल मोड पे आ गई। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे जी प्रेस करके, जी हमने प्रेस किया और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हम डालेंगे 2000। दिस इज द स्टार्ट एड्रेस अराउंड वेयर वी आर टू स्टार्टिंग 1000। फिर शिफ्ट प्लस डॉलर साइन प्रेस करेंगे, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें चार चार बिट के दो नंबर हैं, ये फर्स्ट 4 पहला है और इधर सेकंड 4 ये दूसरा है। इसका LSB ये है और MSB ये है और दूसरे वाले का LSB ये है MSB ये है। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है आपका 4E। तो ये आपका आ गया 1 2 4, मतलब LSB ये है 1 2 4 4, ये नंबर ये हुआ और 1 2 4 8 ये हुआ जो ग्लो कर रहा है वो 14 हो गया आपका, 14 का मतलब E। तो ये हो गया 4E। जब यहाँ से ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दूसरा आउटपुट दिखलाएगा 05, मतलब ये आपका ये 0 हो गया दूसरा वाला 4 बिट और यहाँ पे देखिए 1 2 4 जो ग्लो कर रहे हैं 1 और ये 4, ये 5 हो गया तो 05 हो गया, ये आपका आंसर हुआ। जो LED ग्लो कर रही है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं को हमें ऐड करना है। ओके सो नाउ So now the interfacing is done and we have seen that how the transmission and reception of through 8251 is achieved. So thank you very much.